हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं स्क्वायर ट्रिक। स्क्वायर ट्रिक से है क्या, देखिए सिर्फ एक सेकंड में निकलेगा किसी भी संख्या का, इसमें जो लिखा हुआ है किसी भी संख्या का एक सेकंड में निकाल सकते हैं, यानी 100 के आसपास जो भी संख्या रहेगा उसका आराम से निकाल सकते हैं सिर्फ एक सेकंड में। कैसे निकलेगा चलिए उसको देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए 100 से कितना अधिक है, यहाँ पे 100 से ये कितना अधिक है, 5 अधिक है, 5 का स्क्वायर लिख देंगे कितना होगा 25, और जितना अधिक है उतना जोड़ देंगे, इसमें कितना अधिक है 5 अधिक था 5 जोड़ देंगे, 105 में 5 जोड़ देंगे कितना होगा 110 हो जाएगा। देखिए ये स्क्वायर मेरा तैयार है। उसके बाद देखिए दूसरा, इसमें कितना अधिक है 6 अधिक है, तो यहाँ 36 लिख देंगे 6 का स्क्वायर, उसके बाद 6 इसमें जोड़ देंगे, 1 से 6 में 6 जोड़ देंगे कितना होगा 112 हो जाएगा, ये भी बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, उसके बाद 107 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 108 है, तो 108 में देखिए कितना अधिक है, ये 8 अधिक है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64, उसके बाद 108 में 8 जोड़ देंगे कितना होगा, 108 में 8 जोड़ देंगे कितना होगा 116। देखिए चलिए ये संख्या का देखिए, बहुत ही सिंपल है, आपको बोले नहीं एक सेकंड में निकलेगा, उतना भी नहीं लगेगा। देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 81 होगा, उसके बाद इसमें 9 जोड़ देंगे कितना 109 है, 9 जोड़ देंगे जितना अधिक रहेगा उतना जोड़ देंगे, 9 जोड़ेंगे कितना होगा 109 में जोड़ेंगे 9 कितना होगा 118 हो जाएगा। इसमें देखिए 10 अधिक है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 10 का स्क्वायर 100, देखिए इसमें 10 अधिक है ना, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, तो दो ही अंक लिखेंगे, 100 का 00 लिख देंगे और एक जो बचेगा हासिल उसको रख लेंगे, देखिए हासिल एक बचा होगा। उसके बाद 110 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 120, और 120 में ये का हासिल जो बचा था वो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 121। उसके बाद देखिए ये जो है 111 में कितना अधिक है 100 से, 11 अधिक है, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 121, 121 का जो है 21 लिखेंगे, 121 का 21 लिख देंगे और एक बच जाएगा। उसके बाद 111 में 11 जोड़ेंगे, क्यों 11 अधिक है, 111 में 11 जोड़ देंगे कितना होगा 11 दूनी 22, यानी 122 में इसका हासिल एक जोड़ देंगे, 122 में एक जोड़ देंगे 123 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये देखिए 112 है, 112 में 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, तो दो अंक लिखेंगे 144 में 44 लिख देंगे, उसके बाद इसमें 144 में 44 लिख दिए तो एक बच गया है, तो उसके बाद 112 में 12 जोड़ेंगे 124 होगा, 124 में हासिल एक जोड़ देंगे तो 125 होगा। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए उसके बाद और देखिए, उसके बाद देखिए 113 का जब निकालेंगे 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 169 का दो अंक लिखेंगे, उसके बाद देखिए इसमें कितना अधिक है 13 अधिक था, तो 13 जोड़ेंगे इसमें, 113 में 13 जोड़ देंगे 126 होगा, इसका एक हासिल हो जाएगा 127 हो जाएगा। उसके बाद 14 का स्क्वायर देखिए, इसमें 14 अधिक है, 14 का स्क्वायर देखिए कितना हुआ 196, तो 96 लिख देंगे एक अंक बचेगा, यानी कि एक इसका शेष बच जाएगा हासिल। उसके बाद 114 में जो है 14 ऐड कर देंगे कितना होगा 128, 128 में इसका हासिल एक जोड़ देंगे कितना होगा 128, 129। उसके बाद देखिए यहाँ पे 115 है, 115 में 15 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 225, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 225 में 25 लिख देंगे, 25 के बाद देखिए इसमें कितना बच गया है दो बचा है, उसके बाद देखिए 115 में 15 जोड़ेंगे क्योंकि 15 अधिक था तो अधिक जोड़ देंगे 130, और दो शेष बच गया था इसका तो 132 हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए इसमें अगला क्या है, और ये तो अधिक वाला संख्या था जो अधिक था 100 से, उसके बाद बता रहे हैं 100 से जो कम है उसको देखिए अब आगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए और आगे देखते हैं, यहाँ जो 100 से कम होगा, पहले एक यहाँ देख लीजिए 100 से यहाँ जो अधिक था 105 अधिक था ना, चलिए 100 हम 103 ले लेते हैं, 103 का स्क्वायर कैसे करेंगे चलिए यहाँ 103 ले लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होगा 9 आएगा सिर्फ, तो हमको दो अंक बनाना है, दो अंक बना देंगे कितना हुआ 09 लिख दिए, उसके बाद 103 में कितना अधिक था 100 से 3 अधिक था, 3 जोड़ देंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 106 हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ देखिए हम बना रहे हैं, यानी जो 100 से कम होगा उसको चलिए यहाँ बनाते हैं।
देखिए ये संख्या लिखे हुए हैं 100 से कम वाला, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, सिर्फ एक सेकंड में निकलेगा। देखिए पहले एक समझ लीजिए अच्छा से, देखिए इसमें कितना कम है, 100 से कितना कम है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक हो जाएगा। उसके बाद हमको दो अंक बनाना है, और जितना कम है उतना इसमें और कम कर देंगे, यानी एक कम था एक और कम कर देंगे, कितना होगा, 99 में से एक चला जाएगा तो 98 हो जाएगा, ये बन गया। उसके बाद देखिए ये भी अच्छा से समझिए, इसमें देखिए 100 से कितना कम है, तो दो कम है तो दो का स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा, चार होगा। उसके बाद देखिए इसमें चार तो हुआ लेकिन हमको दो अंक बनाना है, तो दो अंक बना देंगे, दो अंक बन गया। उसके बाद देखिए इसमें हमको कितना कम था, दो कम था ना, तो दो और कम कर देंगे, दो और कम कर देंगे, कितना होगा, 96 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें कितना कम है, इसमें तीन कम है, तीन का स्क्वायर करेंगे, यानी 100 से कितना कम है, तीन कम है ना, तीन का स्क्वायर कर देंगे, तीन का स्क्वायर करेंगे, 9 हो जाएगा। उसके बाद हमको दो अंक बनाना है, उसके बाद जितना कम था उतना और कम कर देंगे, इसमें कितना कम था, तीन कम था, तीन और कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, यानी 94 हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए 96 है, यानी 100 से कितना कम है, चार कम है ना, चार कम है, चार का स्क्वायर कर देंगे, 16 होगा। उसके बाद देखिए जितना कम था उतना कम कर देंगे, चार कम था ना, तो चार इसमें से और कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये देखिए इसमें कितना कम है, पाँच कम है, तो पाँच कम है तो क्या हुआ, पाँच का स्क्वायर 25 कर देंगे, और इसमें देखिए पाँच तो कम था तो पाँच का स्क्वायर कर दिए, और ये इसमें और पाँच कम कर देंगे, यानी कि जितना कम रहेगा उतना और कम करके लिखेंगे, 90 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए इसमें देखिए कितना कम है, छः कम है, तो छः का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो इसमें क्या है, 36 हुआ। उसके बाद देखिए इसमें 36 हुआ, छः का स्क्वायर यानी छः कम था, और छः घटा भी देंगे कितना होगा, 94 में छः घटा देंगे कितना होगा, 88 होगा। समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे, और मेरे वीडियो को जो तक अभी देखे नहीं हैं अच्छा से देख लीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।